आज जैसे ही राधा ने कहा श्याम हमारे साथ आप रास करो महाराज रास लीला रचाओ, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि गोपियों एक दिन समय वो आ जाएगा और बोले हैं क्या बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धारो शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा आज इधर भगवान श्याम सुंदर नी काहे चिंता मत करो गोपिकाओं हम तुम्हारे साथ में बहुत जल्द रास लीला रचाएंगे।
भैया उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को बहुत तेरा रोका पतियों ने पर राजी न भाई वो रहने को। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर अर्धरात्रि में बंसी बजा रहे हैं और सारी जैसी सखियां सुन लेते से ही भाग खड़ी भाई पहुंच गई। अरे इधर महाराज होने को प्रारंभ है चालू है और इधर भूतनाथ भोले बाबा इधर सभी देवियां रूप धर धर करके आने लगी हैं महाराज देखने के लिए। इधर मैया पार्वती जब चली और चली और तैसे ही भोले बाबा ने रोक लिया कह लिए ए कहां जा रही हो कहां जा रही हो फतेहपुर चौरासी आज जो है बेटा शिवम भोले बाबा ने पकड़ा हाथ अब बोले क्या कहां जा रही हो हमें छोड़ करके कहां जा रही हो हमें छोड़ दो आज जैसे ही इतनी बात कही है तो मैया पार्वती कहने की छोड़ करके नहीं जा रही भोले बाबा लीला देखने जा रही हूं। अरे भगवान श्याम सुंदर भूलोक में लीला रचा रहे हैं रास लीला देखने को लीला लीला दरी घन श्याम को क्षमा चाहते हैं भोले बाबा कहने लगे